हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो है आपने आज देख ही लिया होगा कि मैं आज बना रही हूँ घी, लेकिन एक ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, घी तो सभी बनाते होंगे और हर घर में घी बनता है, और यहाँ पर मैं मलाई से घी बना रही हूँ, दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मलाई से हम घी निकालेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल कम जो समय में ये घी बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, घी जो है, जो मलाई होती है वो बहुत बर्बाद निकल जाती है, लेकिन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा इस ट्रिक से। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मलाई कम से कम 15 या 20 दिन की मलाई है, और ये गाय की मलाई है, गाय का दूध आता है हमारे यहाँ, तो ये 15-20 दिन का है। और एक बड़ा सा कटोरा है यहाँ पर देखिए, और जब भी आप इसे गर्मियों में अगर इस मलाई से घी निकाल रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट पहले इसे निकालिए फ्रीज से, और उसके बाद इसे फेंटना शुरू कीजिए। और देखिए, कुछ लोग मिक्सी में बनाते हैं, कुछ लोग, मतलब अलग अलग तरीका होता है सबका बनाने का, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी, मतलब जिसे बोलते हैं कि एकदम से फटाक से ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है घी को एक बर्तन में लेना है, और देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बर्तन भी नहीं करूँगी, बस मैं इसी भगोने में मैंने घी को पलटा, ये मलाई को जो मैंने पलटा है, और इसी भगोने में हम जो है घी को गर्म भी करेंगे और बिल्कुल घी बनकर तैयार भी हो जाएगा इसी भगोने में। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम मैंने इसे 7-8 मिनट जो है इसे फेंटा है, क्योंकि ये एकदम से मैंने अभी फ्रीज से निकाला है, तो ये अभी टाइट है, एकदम अभी पिघला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये छाँच बिल्कुल अलग होने लग गई है, तो बस यहीं पर जो है अब ये अलग होने लग गया है, छाँच अलग होने लग गई है, मक्खन अलग होने लग गया है। तो यहाँ पर डालिए बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी डालिए, क्योंकि इससे ये एकदम से जो मक्खन है ना वो इकट्ठा हो जाएगा, और छाँच जो अलग है, जो बिल्कुल वेस्ट है, वो अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मक्खन है वो, उस पर घी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। अगर हम इसमें अभी ये नॉर्मल पानी डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल अलग जो मक्खन के पीसेस होते हैं वो इस छाँच में निकल जाएंगे और मक्खन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो जो सर्दियों का सीज़न है तो उसमें तो हम नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल जो है बिल्कुल ठंडा पानी डालना है आपको, और इसे अच्छे से धोना है। इस तरह से देखिए मैं किस तरह से फेंट रही हूँ, आपको और पानी डालना है इसमें, जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ नहीं निकलता है तब तक हमें इसमें पानी डालना है ठंडा, और जब ये मक्खन मतलब अलग होने लगेगा तब। तो इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल मक्खन को धो लिया है अच्छे से, साफ़ पानी निकल गया था उसमें बिल्कुल ठंडे पानी से। उसके बाद जो है आप तुरंत इसे जो है गैस पर रख लीजिए, और इस तरह से आपको करछी को चलाते रहना है, जब तक आपका घी तैयार नहीं होता है तब तक आपको करछी को इसी तरह से चलाना है, क्योंकि इससे जो है ना इसकी एक जो इसमें छाँच है, जो इसकी एक मोटी सी परत बन जाएगी नीचे से, और वो जलने लगेगी। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसमें घी में जो है बदबू आनी शुरू हो जाती है, फिर घी जो है बेकार बन जाता है। तो इस तरह से आप इसे फेंटते रहेंगे, करछी चलाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे जो है ना घी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, क्योंकि जो छाँच है वो नीचे तलवे पे भी नहीं लगेगा, उससे स्मेल नहीं आएगी और घी ख़राब नहीं होगा। तो हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए, घी जो है बनकर तैयार है, ये जो है ब्राउन कलर में होने लग गया है, तो इसका मतलब घी जो है बनकर तैयार है। हमने जो है चूल्हे को बंद कर दिया है और घी को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो देखिए, इसे घी को बनाने में मुझे कम से कम आधा या पौन घंटा लगा है, इतना टाइम तो लगता ही है, ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, घी को बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो देखिए, ये घी बिल्कुल तैयार है, और इसकी मलाई जो आप जो नीचे बैठती ना छाँच, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं निकलता है, एकदम पूरा का पूरा जो मक्खन है उससे पूरा घी निकलता है। तो फ्रेंड जो है मैं इसमें अभी डब्बे में डाल रही हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जब मैं डब्बे में डाल रही थी इस घी को, तो वहाँ पर मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई, तो मैंने बाद में चेक किया है कि वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर जब मैंने डब्बे में डाल दिया था तब मैंने दिखाया है कि मैंने किस तरह से, देखिए डब्बा, ये 1 किलो का डिब्बा है, और 1 किलो का डिब्बा भर कर आधी कटोरी साइड में मैंने रखी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इतना घी बनकर तैयार है, कम से कम 15-20 दिन की मलाई से। बहुत ही ईजी तरीका है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से फॉलो करना है,
और इससे पूरा का पूरा घी जो है बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। और अगर हम ज़्यादा बर्तन भी करते हैं, मिक्सी में डालते हैं या फिर ज़्यादा बर्तन करते हैं कढ़ाई में वगैरह वगैरह में, तो उसमें भी जो है ना मक्खन बर्बाद हो जाता है। उससे भी कम से कम घी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बना लीजिए, जिसमें आपको घी को गर्म करना है उसी में आप घी को फेंटिए, इस तरह से जिस तरह से मैंने बनाया है। बस उसी भगोने में मैंने घी को फेंटा है, उसी में साफ़ किया है और इसी में मैंने जो है घी को गर्म भी किया है। तो इस तरह से जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है घी निकल कर आया है। आप देख सकते हैं 1 किलो का बर्तन जो है 15-20 दिन की मलाई से 1 किलो घी बनकर यहाँ पर तैयार है, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर ये जो घी है ना, ये खाने में कितना स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका स्वाद ख़राब हो या बिल्कुल अजीब सा हो रहा हो, बिल्कुल घर जैसा घी, जैसे कि घर में बनता है बिल्कुल छाँस से जो दही से बनाते हैं ना, उस तरीके का घी ये बनकर तैयार हो जाता है। और घी को आपको कच्चा नहीं उतारना है, जब घी एकदम उसमें जो कण होते हैं वो ब्राउन दिखे ना, एकदम से ब्राउन कलर आए, तभी आपको घी को नीचे उतारना है। इससे पहले घी को नहीं उतारना है वरना वो कच्चा सा रहता है, उसमें स्मेल आ जाती है। तो फ्रेंड्स जो है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।